हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूँ द माइनक्राफ्टर, आप देख रहे द माइनक्राफ्टर। वेलकम है आप सभी का माइनक्राफ्ट के एक ब्रांड न्यू 1.17 रिलेटेड वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जून महीने में ही 1.17 का पार्ट 1 वर्शन आ रहा है, तो उससे पहले हम इस वीडियो में हम 1.17 रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे सीट के बारे में बात करेंगे। वीडियो आगे देखते रहिए, इस सीट का क्या क्या स्पेशलिटी है वो हम बात करेंगे और इस सीट में कहां कहां क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पहले आपको ये एक सीट एंटर करना होगा, जो देखते रहिए और वो सीट के बारे में हम जानेंगे कि वो सीट क्या है। और उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट्स में जाके ये हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएटर ऑफ कस्टम बायोम्स, एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज, केव एंड क्लिप्स, अपकमिंग क्रिएटर फीचर्स, एनिमल गेम टेस्ट फ्रेमवर्क को ऑन करने के बाद वर्ल्ड को क्रिएट करना होगा। वर्ल्ड को स्पॉन करने के बाद आप इस जगह पर स्पॉन होगा। इस स्पॉन का लोकेशन आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब हम बात करेंगे 1.17 का एक नया ऐड हुआ बायोम लशकेप्स के बारे में। तो मैं इस सीट का दो लशकेप का लोकेशन बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं। लशकेप नंबर 1, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये हमारा पहला इस सीट का लशकेप है जो आपको इस लोकेशन में दिखने को मिलेगा। और ये बहुत बड़ा सीट है, ये बेडरॉक में है बस। और ठीक इसके नीचे हमें एक जाइंट केव दिखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक इसके नीचे। लशकेव नंबर 2, तो आप अभी स्क्रीन में एक लोकेशन देख सकते हो। इस लोकेशन में आपको ये दूसरा लशकेव मिलेगा, ये देखिए। तो ये था हमारा वो सीट का दो बेहतरीन लशकेव्स। अब हम जो 1.17 का एक और मेन फीचर है जो है एमेथिस्ट जियोट, उसका कुछ लोकेशन के बारे में हम देखेंगे। नंबर 2, एमेथिस्ट जियोट। तो ये पहला एमेथिस्ट जियोट का लोकेशन आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा। इस पांच जगह पर आप एमेथिस्ट जियोट देख सकते हो इस वर्ल्ड में। तो अब हम बात करेंगे माइनशाफ्ट के बारे में। वो आप अभी स्क्रीन में एक लोकेशन देख सकते हो, उस लोकेशन पे आपको एक बहुत ही जायंट माइनशाफ्ट मिलेगा। इस माइनशाफ्ट में थोड़ा सीधे जाते ही बाईं तरफ आपको एक स्पॉनर मिलेगा। अभी आप स्क्रीन पे एक लोकेशन देख सकते हो, अगर आप वहाँ जाओ तो ये आप लोगों को ये माइनशाफ्ट ये हैंगिंग चेन की मदद से लटका हुआ दिखेगा। ये माइनक्राफ्ट का 1.17 के एक और नया फीचर है जो ऐड हुआ है। अब हम बात करेंगे लावा लेक के बारे में। नंबर 4, जायंट लावा लेक इन ओवो पॉइंट। तो आप जैसा कि इस लोकेशन को आप स्क्रीन में देख सकते हो, लोकेशन में आप आते ही पहले आपको इस डायरेक्ट सेम इस लोकेशन पे आपको एक डायमंड का वेन मिलेगा, ठीक उसके बगल में एक बहुत ही जायंट लावा लेक मिलेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके साथ एक माइनशाफ्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको उसके साथ तो एक जायंट केव फ्री में मिलेगा ही। अब हम बात करेंगे एक रुइन पोर्टल के बारे में। आप अभी जो स्क्रीन में लोकेशन देख रहे हो, उस लोकेशन में आते ही आप एक रुइन पोर्टल के सामने आ जाओगे। उस रुइन पोर्टल में लकीली दो गोल्ड ब्लॉक आपको मिलेगा और चेस्ट के अंदर 9 गोल्डन कैरेट, एक अनब्रेकिंग 1 वाला शावल, अनब्रेकिंग 2 और एफिशिएंसी 2 वाला एक हो और कुछ आयरन नगेट्स, एक ऑब्सिडियन और कुछ फ्लिंट मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे रुइन पोर्टल के बारे में। अभी आप स्क्रीन में जो लोकेशन देख सकते हो, वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा। यहाँ पर दो लाइब्रेरी, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ से आप इंडर ड्रैगन को मार सकते हो। अब हम बात करेंगे सीट के बारे में। तो ये जो सीट है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, अभी यही है ये ओपी सीट। अब आपका वर्ल्ड में पर ये सीट का पोजीशन में बेडरॉक एडिशन में ये सीट डाल सकते हो।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।